गन्ने की फसल तो आपने बहुत देखी होगी, परंतु आज हम गन्ने की फसल की जिस वैरायटी की बात करेंगे उसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मऊ जिले के दिलसादपुर के किसान जितेंद्र राय द्वारा उगाए गए गन्ने के बारे में। मात्र 5 रुपए के ऑनलाइन मंगाए गए बीजों से उन्होंने ऐसी फसल तैयार की है जिसे देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। इसकी चर्चा मऊ जिले में ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में भी चल रही है। ये किसान सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। किसान के मेहनत और तकनीकी की लोग सराहना कर रहे हैं। आमतौर पर किसान जिस गन्ने की फसल लगाते हैं उसकी ऊंचाई 7 फुट होती है, लेकिन इस किसान के गन्ने की ऊंचाई 19 फुट है। 1K0238 वैरायटी जी। कैसे आपने इसको लगाया? यह रिंग पिट विधि से लगाया गया है, मेथड से, रिंग पिट विधि मेथड है अच्छा, कहाँ जी। से आप बीज लिए थे? अच्छा, ये हम इसको बीज ऑनलाइन मंगाए थे जो दिल्ली से जी। 5 रुपए का एक बड मिला था, इतना बड़ा, इतनी आंख मिली थी, 5 रुपए का एक पीस जी। अभी तो बहुत बड़ा दिख रहा है, कितनी हाइट होगी गन्ने की? अभी इस समय ऊपर लास्ट पत्ती तक 19 फुट है जी। ये फरवरी के लास्ट में कटेगा तो इसकी हाइट जो है 25 फुट तक चली जाएगी 25 फुट तक जाएगी जी। 3 गन्ना काट के वजन जो है किया गया था तो 15 किलो 200 ग्राम हुआ था 3 गन्ने का वजन। अभी ये कितना एरिया में आपने लगाया है? ये यहाँ के लोकल बोलचाल की भाषा में बोलें तो एक मंडा क्षेत्र कहा जाता है, मतलब ये है एरिया है जिसमें मैंने ये ऐसे 100 गड्ढे लिए हैं जी। ये गड्ढे में ये लगाया गया है, 15 इंच नीचे खुदाई करके एक गड्ढे में 30 आँख जो है लगाई गई है जी। कितना पैदावार हो रहा है इसमें? ये यदि 5 किलो का भी एक गन्ना मान लिया जाए तो 30 गन्ने हैं, तो 1.5 क्विंटल के हिसाब से ये 150 क्विंटल की पैदावार न्यूनतम हो जाएगी बावक की फसल में। पेड़ी में यही पैदावार 20% बढ़ जाएगी और हर साल 20% और बढ़ती रहेगी, 5 साल ये जो है चलती है। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना इसको, ये इतने मोटे मोटे ये कल्ले हैं। हाँ, उधर भी वहां भी निकला है, ये निकला है, तो ये 80-90-100-100 के ये बंच में हो जाएंगे अगली साल। ये कितने दिन की फसल है, कितना क्या मतलब फायदा मिलेगा आपको? ये 24 फरवरी को लगाई गई थी और फिर फरवरी के लास्ट में निकाल ली जाएगी, तो एक साल में इसका जो है जूस पेरने वाला एक व्यापारी था तो वो इसका 1,10,000 रुपया वो दे रहा था 100 गड्ढे का, मतलब एक मंडे की फसल को 1,10,000 वो दे रहा था। यानी 100 गड्ढे में कितनी तैयार हो जाएगी करना? 100 गड्ढे में हो गया ना वही 150 क्विंटल करीब जी। और सामान्य जो गन्ना किसान बोलते हैं वो उसकी हाइट क्या होती है लगभग? वो उसकी हाइट तो वही मुश्किल से 6 या 7 फीट तक जी। तो किसानों को ये करना चाहिए इस गन्ने की? हाँ, ये ऐसी ये करना चाहिए और मैं किसानों को बीज भी जो है दे रहा हूँ अपने यहाँ से। हाँ, बीज हम उपलब्ध करा रहे हैं, बुकिंग हो रही है, तो ये एक आंख हम काट के जो है किसानों को हम दे रहे हैं जी। क्या रेट है? 5 रुपए का हम दे रहे हैं, उसी रेट का हम मंगाए थे अच्छा जी। बुकिंग हो रही है, रजिस्टर मैंने बनाया है, उस पर उनका नाम और आप ये एड्रेस। फसल कब लगाए थे? ये हम लगाए थे 24 फरवरी को जी। कितनी दिन हो गई फसल को? तो अभी 15 नवंबर है तो 24 फरवरी से वही। हाँ, तो अभी हाइट कितनी पहुंच गई है? अभी 19 फुट की हाइट हो गई है ऊपर जो है वो पत्ती तक। फरवरी के लास्ट में जब कटेगा बीज में जाएगा या और मतलब जब इसी कटाई होगी उस समय ये 25 फुट का हो जाएगा। किसानों की खेती करनी चाहिए जी, बहुत फायदा है, रिंग पिट विधि से बहुत फायदा है जी। यहाँ लाखों रुपया आदमी हाँ, एक मंडे में निकाल सकते? एक मंडे में आप लाखों, मतलब 1 बीघे आप मान के चलेंगे तो लागत तो काट के 6 से 7 लाख रुपए 1 बीघे में आप बना सकते हैं, और 5 साल एक बार लगाने पर ये 5 साल ही जो है चलती है।